जो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं थर्ड वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेन टॉपिक अपना है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जितने भी नेचर के अंदर मैटर हैं वो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में रह सकते हैं। अगर हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो धीरे धीरे सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सॉलिड मेल्ट होने लगेगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगेगा। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, इस प्रोसेस के लिए हम लोग मेल्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं, मेल्टिंग टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड अपना लिक्विड में चेंज होता है। तो इसके लिए हम लोग ये डिफाइन कर सकते, डेफिनेशन ले सकते हैं, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड आर नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब कभी भी अपना कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड मेल्ट हो रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, केवल स्टेट इंक्रीज होगा। तो जो सप्लाइड एनर्जी है वो एनर्जी यूज़ कहाँ हो रही है, तो वो एनर्जी बेसिकली पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, मिनिमाइज करने में यूज़ होती है जो स्टेट चेंज हो रहा है। अब इसी टर्म में एक हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इस बेसिस पर देखा जाए कन्वर्जन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इंटू 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आर नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपना लिक्विड गैस में चेंज होने लगेगा। उस सिचुएशन को हम लोग बॉइलिंग वर्ड यूज़ करते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग बेसिक डेफिनेशन क्या लेके चल सकते हैं, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैसेस स्टेट आर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का केस आएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इंटू 1 किलोग्राम ऑफ वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट आर नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद देखा जाए, हम लोग अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड अ वेपर। इसमें अगर कोई भी मैटर जो कि रूम टेम्परेचर पर फिजिकली गैसियस फॉर्म में है तो उसके लिए हम गैस वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है लेकिन अगर हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग वेपर वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे वाटर अगर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वाटर वेपर, लेकिन आज एयर के अंदर जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एक्सेट्रा, इन सब के लिए गैसियस स्टेट की बात हम लोग करेंगे क्योंकि ये सब रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में है। टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड अपने पास 3 स्केल्स हैं जिस बेसिस पर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल। केल्विन और स्केल और सेल्सियस स्केल में अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मीन्स डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 प्लस कर दिया जाए तो केल्विन स्केल बन जाएगा, या यूँ कह लिया जाए कि केल्विन स्केल केल्विन टेम्परेचर में से 273 माइनस कर दिया जाए डिग्री सेल्सियस स्केल डेवलप हो जाएगा, मतलब अपने को मिल जाएगी वैल्यू। फारेनहाइट के बेसिस पर देखा जाए डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू आएगी प्लस 32। ये रिलेशन केल्विन और डिग्री सेल्सियस का या फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का स्पेशली है। इसके बाद हम लोग अगले डायग्राम तरफ बढ़ना चाहेंगे। इस डायग्राम में देखा जाए सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना सॉलिडिफिकेशन है। इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे, सॉलिड
सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन है और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन है। ये अलग से हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए, यहाँ पर तो हम केवल सॉलिड लिक्विड गैस की बात करेंगे। लिक्विड का गैस में कन्वर्जन इवोपरेशन है और गैस का लिक्विड में कन्वर्जन कंडेंसेशन है। ये अलग अलग टर्म हैं जो हम लोग अलग अलग स्टेज के लिए यूज़ करेंगे। अगले डायग्राम में देखा जाए, हम लोग बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं, सबसे बेटर तरीका अपने पास स्पेशली है, जहाँ पर हम लोग वाटर को लेके हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड को कूल करेंगे तो फिर से हमें आइस मिलेगा। इस तरह से देखा जाए, अगर लिक्विड स्टेट को हीट किया जाए तो फिर गैस स्टेट अपने को मिलेगी, और गैस स्टेट को कूल किया जाए तो अपने को लिक्विड स्टेट फिर से मिलेगी। लास्ट में देखा जाए, हम लोग इस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, एक एक्टिविटी अपनी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पर हम लोग किसी भी लिक्विड किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को चेक करेंगे। तो सबसे बेटर एग्जाम्पल अपने पास आइस है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपके सामने एक हम लोगों ने बीकर ले रखा है, उसमें आइस क्यूब डाल रखा है, ग्लास स्टीरर लगा रखा है, थर्मामीटर लगा रखा है। इसका ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, थर्मामीटर का जो बल्ब वाला हिस्सा है वो आइस के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। नीचे थर्मामीटर हमने लगा रखा है, थर्मामीटर लगाने के बाद हम इसको बर्नर लगा रखा है टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए। जब हम बर्नर से टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो अपना आइस मेल्ट होने लगेगा, उस कंडीशन में थर्मामीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस अपना मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में चेंज कन्वर्ट ना हो। क्योंकि वाटर के लिए देखा जाए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए थर्मामीटर 0 डिग्री अपना मेंटेन करेगा। अगले स्टेज में, अगले डायग्राम में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। वाटर हमने ले रखा है, ग्लास स्टीरर जो कांस्टेंटली इसको हिलाने के लिए, थर्मामीटर जो कि 0 डिग्री यहाँ पर देखा जाए रीडिंग, क्योंकि अभी आइस के बाद जस्ट बना है। अब इसको फिर हम उसी तरह से कंटिन्यूसली हीट करते जाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होते होते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये वाटर अपना लिक्विड स्टेट में देखा जाए ये गैसे स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा और वाटर वेपर बनने लगेगी। इस पर्टिकुलर कंडीशन में थर्मामीटर अपना 100 डिग्री रीडिंग शो करेगा और 100 डिग्री टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर अपना गैस स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस वीडियो में हम सॉलिड लिक्विड गैस के इंटर कन्वर्जन की बात करना चाहेंगे। इसमें बेसिकली जो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, ये पॉइंट्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, बॉइलिंग पॉइंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, और जो टेम्परेचर मेजरमेंट के रिलेटेड तीनों स्केल हैं उनमें क्या रिलेशन है। आज के वीडियो में मैं इतना सा डिस्कशन करना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं सब्लिमेशन प्रोसेस और इवोपरेशन प्रोसेस पर अगला वीडियो अपने आपके सामने जाएगा। थैंक यू।